हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। आप सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ भी हम काम करते हैं या घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टील आती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। आपके प्रोजेक्ट का, आपका जो बजट है घर बनाने के लिए या आप जिस कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज कवर करता है स्टील। और ऐसे में अगर गलत स्टील आपके साइट पे आ जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टील की क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करेंगे। इसी में एक टेक्निकल पॉइंट होता है हमारा बेंड टेस्ट, जो हम लोग साइट पे रह के ही इसको आराम से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो हमारा स्टील है वो प्रॉपर हमारे काम करने लायक है कि नहीं। जो भी बताऊंगा यहाँ पे सब एज पर IS कोड बताऊंगा, मैं खुद से कुछ भी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो भी IS कोड में हमारा लिखा हुआ है, कौन सा IS कोड, 1786 2008 के फोर्थ रिवीजन को लेके बताऊंगा। तो सोच सकते हो 4 बार रिवीजन हो चुका है और बहुत कुछ चेंज हुआ है, जो पहले था उसको वापस से लाया गया है, कुछ चीज मिटाया गया है, सब चीज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और कुछ भी अभी मैं अपने मन से नहीं बोलूंगा, एज पर IS कोड बोलूंगा, आपको क्लॉज भी दिखाऊंगा, सब आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है। बेंड टेस्ट बहुत जरूरी होता है और बहुत आसान होता है, जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे ही रह के देख सकते हो। अभी मैं हाल ही में एक हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे साइट पे बेंड टेस्ट स्टील का फेल हो गया। हम लोग 3 स्टील को किए, तीनों फेल हो गया। हम लोग पूरा लॉट को, 32 टन का वो लॉरी था जो हमारा बड़ा गाड़ी में आता है, वो पूरा हम लोग रिटर्न करवाए। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये बेंड टेस्ट हमारा, ये आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पूरा बात करने वाले हैं बेंड टेस्ट के बारे में। बेंड टेस्ट को लेके आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले इसका जवाब जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मैक्सिमम टाइम टू कंप्लीट स्लम टेस्ट एज पर लेटेस्ट IS कोड, स्लम टेस्ट करते दौरान मोल्ड में कॉन्क्रीट फिलअप से लेके मोल्ड को पुलअप करने तक में कितना समय मैक्सिमम आप ले सकते हो एज पर IS कोड। तो इसका राइट आंसर था आपका 180 seconds। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया है बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को भी पूरा देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको और एक सवाल मिलेगा जिसका जवाब आपको जाके कमेंट में देना है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या सीखेंगे कि बेंड टेस्ट करने के लिए जो मैंड्रेल का डाया होता है वो कितना लेना है एज पर IS कोड, और उसके साथ भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूंगा जो एक इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हाउ टू सिलेक्ट मैंड्रेल डाया फॉर बेंड टेस्ट ऑफ स्टील एज पर IS कोड, कौन सा IS कोड, 1786 2008 फोर्थ रिवीजन, ठीक है। हम इससे पहले क्या था, 1985 ऐसा कुछ होगा, उस समय इसको रिवाइज किया गया था। उसके बाद 4 अमेंडमेंट आई है, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकेंड अमेंडमेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्या किया गया है ना, फर्स्ट में जो लाया गया है उसको सेकेंड में रखा गया है, थर्ड में वापस अपग्रेड कर दिया गया है। बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंड्रेल बोलते किसको है। आपने साइट पे बेंडिंग मशीन जरूर देखा होगा जिससे हम लोग रॉड को बेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, और उसकी मदद से हम लोग स्टीयर्स बनाते हैं, जॉगल मारते हैं हमारे स्टील बार में, बहुत कुछ करते हैं। आप लोग बेंडिंग मशीन को जब ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसका प्लान। आपका ये एक बार है मान लीजिए, जो बार आप उस मशीन में प्लेस कर रहे हो, ठीक है, ये आपका स्टील बार है। अब स्टील बार के इधर में एक ऐसे मैंड्रेल रहता है, इधर में एक मैंड्रेल रहता है, अब यहाँ पे भी एक मैंड्रेल रहता है, ठीक है। इसका डाया आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, और यही चीज IS कोड बोलता है कि इसको ये डाया ऑफ बार, अगर ये 10 का है तो ये मैंड्रेल का डाया अलग होगा, अगर ये 12 का है तो ये अलग होगा, 16 का है तो अलग होगा। तो किस किस डाया के लिए ये मैंड्रेल डाया कितना होना चाहिए जिसकी मदद से हम बेंड टेस्ट करेंगे वो IS कोड बोलता है। मान लीजिए ये स्टील बार है ना, ये क्या होता है, ये मूव करता है, ठीक है, ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है और ये मूव करता है। ये इस तरफ जब मूव करेगा तो ये रॉड जो है ये क्या होगा, ऐसे ऐसे बेंड करेगा, ऐसे जब बेंड करेगा और इसके रिस्पेक्ट में बेंड करेगा, मतलब अब बेंड करके ये यहाँ तक गया, उसके बाद ये क्या होगा, फिर ये पूरा ऐसे बेंड करेगा,
ठीक है। तो जितना डायक हम लोग मैंड्रल रखेंगे इसके बीच में वो क्या करेगा, उतना बड़ा वो आर्क बनाता रहेगा उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग। ये चीज क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ, हम लोग इसी का डाया एकदम इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग को बेंड टेस्ट के दौरान चेक करने में, ठीक है। ये वाला मैंड्रल है हमारा, ठीक है। हम लोग साइड पे रहते हैं तो कुछ भी से चला देते हैं काम, नहीं कुछ भी से नहीं चलाना है हम लोग का, एक प्रॉपर प्रोसीजर है आईएस कोड में जब इसको दिया गया है तो जरूर इसका बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। उतना पे ही फेल करेगा, अगर आप कम पे कर दोगे तो वो फेल नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो स्टील सही है कि नहीं, समझ में आ गया ना। तो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या चीज है ये हमारा बेंड टेस्ट, ठीक है। बेंड टेस्ट, एक बेंड टेस्ट होता है और एक रीबेंड टेस्ट होता है। हम लोग आज के वीडियो में रीबेंड टेस्ट को कवर नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग बेंड टेस्ट को कवर करने वाले हैं। और ये बेंड टेस्ट किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग किया जाता है, आईएस कोड 1599। क्लियर हुआ? और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने टेलीग्राम पे आप लोग से एक सवाल पूछा था, यूट्यूब कम्युनिटी में पूछा था कि बेंड टेस्ट जो करते दौरान हम लोग को स्टील बार को कितने एंगल पे घुमाना पड़ता है, और बहुत कोई ने सही आंसर दिया है इसका। इसका जवाब होता है ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है। इसका आपको कहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप आईएस कोड 1786 देखोगे, आईएस कोड 1786 2008 का अगर फोर्थ रिवीजन देखोगे, ठीक है, इसका क्लॉज नंबर आप चेक करना 9.3, ठीक है। जो भी बात करूँगा क्लॉज से लेके बात करूँगा, मैं अपने मन से नहीं बताऊँगा कुछ भी यहाँ पे, क्लॉज 9.3 में देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा। उसमें बोला है एक बार का एक पॉइंट अपने दूसरे बार का एक पॉइंट जब तक वो पैरेलल ना हो जाए। बोलने का मतलब क्या है, ये मान लो ये एक स्टील बार है, ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब इसका ये एक पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट, इसको तब तक मोड़ो जब तक ये सेकंड पॉइंट इसके पैरेलल ना हो जाए। तो देखो ये कब पैरेलल होगा, अगर ये ऐसे घूमते हुए जब सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तब ना ये बार और ये बार पैरेलल हुआ, ये दो नंबर पॉइंट ये मिट गया मेरा, तो ये कौन सा एंगल हुआ, ये 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो यही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि बेंड टेस्ट के दौरान एक स्टील को कितने डिग्री पे बेंड करके लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई रप्चर आया है कि नहीं, कोई क्रैक्स आया है कि नहीं, कहाँ पर, यहाँ पर। आपको प्रोसीजर क्या है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक मीटर का एक लेंथ लेना है स्टील बार, ठीक है। एक मीटर का ये सरिया ले लिए आप, सरिया को क्या करना है, ले जाना है बेंडिंग मशीन पे रखना है, ठीक है। बेंडिंग मशीन पे रखने के बाद आपको क्या करना है, ये बेंडिंग मशीन पे आप रखोगे, ये आपका स्टील बार था इनिशियली, ये आपका स्टील बार रहेगा सीधा, यहाँ पे आपका एक मैंड्रेल है, ये मैंड्रेल है, ये फिक्स्ड मैंड्रेल है, ये मूव करेगा, और यहाँ पे आपको मैंड्रेल एज पर आईएस कोड जो भी बोलेगा वो आपको यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए यह कोई भी डाया का है 10 12 16 जो भी है लगा हुआ है, उसके हिसाब से जो आईएस कोड में जो डाया बता रहा है मैंड्रेल का, मैं आपको आगे चल के पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। वो यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसको 180 डिग्री पे हम लोग क्या किया, ऐसे घुमा के, मतलब ये वाला मैंड्रेल क्या करेगा, पूरा इसको घुमा कर लिया के ऐसे कर देगा। अब जो बन गया है मेरा पोजिशन वो कौन सा बन गया है, सिर्फ ये वाला पार्ट बन गया है, तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो फाइनल पोजीशन है ये मैंड्रेल मेरा घूम के वापस से यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या करेगा ना इसको जाके मोड़ के फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो मेरा अब जो डिग्री बन गया, देखिए ये वाला मेरा बार बन गया जो टेस्ट सैंपल था मेरा। अब आपको चेक क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे ये मुड़ा है ना, मतलब जहाँ पे इलोंगेट हुआ है, जहाँ पे इलोंगेशन हुआ है, जहाँ पे अपना शेप चेंज किया है, ये सब जगह अपना शेप चेंज किया है, नहीं किया है, यहाँ पे किया है चेंज, नहीं किया है, यहाँ पे शेप को चेंज किया है, यहाँ पे देखिएगा कोई रप्चर या क्रैक, कोई फटा हुआ, ठीक है, ऐसा कोई दरार यहाँ पे आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो संग संग दो टेस्ट सैंपल और कीजिए, मतलब संग संग दो टेस्ट और कीजिए, एक मीटर का दो बार और काट के लाइए और चेक कीजिए। अगर वो भी फेल करता है तो आपको सारा लॉट को वापस भेज देना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग रीबेंड टेस्ट पहले कभी भी जिंदगी में नहीं करेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्राइटेरिया है पहले बेंड टेस्ट पास करना, अगर बेंड टेस्ट पास नहीं करता है ना तो लोग रीबेंड टेस्ट को करेंगे ही नहीं, ठीक है। वो सीधा पूरा फेल हो चुका है लॉट, वो लेके हटा दो वहां से, काम में नहीं लाना है वरना स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाएगी। सबसे पहला क्राइटेरिया है बेंड टेस्ट को पास करना, ठीक है। अगर बेंड टेस्ट पास कर गया उसके बाद हम लोग रीबेंड टेस्ट को करेंगे। चलिए ये चीज क्लियर हो गया। अब बात यहां से एक चीज आता है
कि यहाँ पे जो मैंडल का डाया है ये कितना होना चाहिए, किस बार के लिए कितना लगाना होगा, ये सब आईएएस कोड बोलता है। कौन सा आईएएस कोड? 1786/2008 फोर्थ रिवीजन, टेबल फोर चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको आपके पास अगर आप ये आईएएस कोड नहीं है फोर्थ रिवीजन वाला 2008 वर्जन वाला, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब मैं टेबल को लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ आगे चल के। तो गाइज ये है मैंड्रिल डाया फॉर बेन टेस्ट जो हम लोग यूज करने वाले हैं एज पर टेबल फोर आईएएस कोड 1786/2008 फोर्थ रिवीजन। ये फोर्थ डिवीजन के हिसाब से इसको और छोटा किया गया है। अगर थर्ड डिवीजन में ना इसमें और ज्यादा अमेंड किया गया था, उसमें और भी इसमें जो ग्रेड है स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील, उसमें बढ़ा दिया गया था। सब कहानी आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे इस कॉलम में आपका डाया लिखा गया है, यहाँ पे आपका ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है, जैसे Fe 415 Fe 415D, Fe 500, Fe 500D, ग्रेड ऑफ स्टील। स्टील के ऊपर में जब आप इंडेक्सिंग देखोगे उसका, तो वहाँ पे लिखा रहता है वो Fe 500 का है, 550 का है, क्या है, वो आपका स्टील पे लिखा रहता है। तो ये देख लो, ये 550D होगा, 550D, ठीक है। चलिए अभी तो और भी ज़्यादा आ चुका है हमारे मार्केट में Fe 415S, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, Fe 415D दिख रहा है, लेकिन S नहीं दिख रहा है। S क्या है? सिस्मिक स्टेबिलिटी, ठीक है। D से डक्टिलिटी पता चलता है हम लोग का, उसी तरीके से S से सिस्मिक स्टेबिलिटी इसका फॉर्मूला है। अमेंडमेंट 3 में, ये अमेंडमेंट 4 के हिसाब से है, अमेंडमेंट 3 में उसको ऐड किया गया था, लेकिन किसी कारणवश उसको अमेंडमेंट 4 में वापस से हटा दिया गया। समझ में आया? Fe 415S भी था, मतलब मैं आपको लिख देता हूँ Fe 415S, उसके बाद Fe 500S भी था, ठीक है। ये दोनों उसमें ऐड था, जिसमें S का मतलब होता है सिस्मिक स्टेबिलिटी। ये इंटरव्यू में आप लोग से ना इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, जो कि हमारे खासकर अर्थक्वेक प्रोन जोन जो होता है वहां पे इस स्टील को यूज किया जाता है, ज्यादा अर्थक्वेक जोन जो है वहां पे, इसलिए इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा होती है अलग से, ठीक है। तो हम लोग का फोर्थ अमेंडमेंट में फाइनल में वापस से ये करके दिया गया। वापस से थर्ड जो डिवीजन था ना, उसमें हम लोग का और भी ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे ऐड था। Fe 600 तो था ही, Fe 700 भी चला गया था हम लोग का, वो भी ऐड था उसमें, वापस से उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ऊपर में ग्रेड ऑफ स्टील आपको दिखता है, यहाँ पे डाया दिखता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 3, 5, 2, 5, 4, 5, इसको फाई कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, ये जो आप देख रहे हो इसको फाई कहा जाता है, ठीक है, फाई। तो ये फाई का मतलब क्या है? ये फाई एक्चुअली क्या है? जो हमारा डाया है ना, उसी डाया को फाई कहा जाता है। मान लीजिए आप जो साइड पे यूज कर रहे हो स्टील, वो Fe 415 है, ठीक है। तो मैंड्रिल डाया कैसे चेक करेंगे, वो एक करके निकालते हैं। मान लीजिए आप साइड पे 20mm बार का बेंड टेस्ट करने जा रहे हो और गेट ऑफ स्टील है उसका Fe 415 एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको क्या चुनना है, अप टू 20mm, यानी कि 20mm डाया तक आपको ये लाइन वाला वैल्यू लेना है। और जब 20 से ज़्यादा बार हो जाता है, यानी कि 25mm हो गया, 32mm, 40, 45mm, तब हम लोग को जो चूज़ करना है मैंड्रिल डाया, वो ये वाला लाइन का चूज़ करना है। तो हमारा अभी फ़िलहाल कौन सा है, 20mm है ना। 20mm के लिए हमारा जो मैंड्रिल का डायामीटर होगा वो कितना होगा, 3.5। तो 3.5 में ये फाई क्या है, जो हमारा डायामीटर दिया गया है स्टील बार का, स्टील बार का mm में ही पुट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 3 × 5 मेरा कितना है, 20mm था ना, ये रहा 20mm, 20 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 60mm। तो हमें मैंड्रिल डाया जो लेना होगा वो कितना लेना होगा, 60mm का लेना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सारा कैलकुलेशन कर सकते हो। आप अगर एक अप टू 20mm वाला याद रख लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले से एक ज़्यादा है नीचे वाला वैल्यू, 3 है ना, 4, 2 है तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, देख रहे हो ना, एक ज़्यादा हो गया है अगले वाले में। क्लियर हो गया मेरी बात? तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज क्लियर हो गया है। ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा जब भी आप बेन टेस्ट कर रहे हो अपने साइट पे। याद नहीं भी है तो ये आईएएस कोड खोल लो और वहां से देख लो, लेकिन ध्यान रखना फोर्थ रिवीजन वाला ही खोलना, थर्ड रिवीजन वाला मत खोल लेना, क्योंकि इसमें स्लाइटली कहीं पे किसी एक डाया के लिए चेंज भी था, किसी एक ग्रेड के लिए जो हमारा बेन टेस्ट का ये वैल्यू है ये चेंज भी है कहीं पे शायद, मैंने एक जगह नोट किया था उसको, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है वो चीज। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे, और आप आईएएस कोड को एक बार खोल के जरूर देखिएगा। आई होप यहाँ पे आपको सारा चीज क्लियर हो गया है। चलिए आज के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल है आप लोग के लिए कि बेन टेस्ट को करते दौरान
जो मैंड्रिल का डाया है वो कितना होगा? अगर आपका स्टील का ग्रेड Fe 600 है और डाया बार आपका 20 mm है, तो कैलकुलेट करके आप बता सकते हो फार्मूला को यूज़ करके, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, जो कि लेटेस्ट IS कोड आपको 1786-2008 फोर्थ रिवीजन में मिल जाएगा, और कैलकुलेट करके आपको राइट आंसर बताना है। तो जिन्हें जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जवाब को जरूर दीजिए, और अगले वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।